अस्सलाम वालेकुम, अशरफ शर्फ खुश आमदी। बात करेंगे माई डी के एपिसोड में 7 की प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा अपने बाप को साफ साफ मना कर देती है। वहीं पर आयशा काफ़ी परेशान होती है और वहीं कहता है कि आपने मुझे शादी करवानी है तो मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता हूँ। उसका बाप कहता है, और जाके अमना से बात करता है, वो साफ साफ मना कर देती है। वहीं उसका बाप कहता है कि हाँ, आजकल के बच्चे मैं जानता हूँ कि उसने क्या कहा होगा। वहीं अनीस पास है और उसकी माँ भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं हबीब आयशा से कहता है कि तुम शादी की तैयारियाँ करो, और दूसरी तरफ उसकी बहन कहती है कि आपको क्या लगता है, वो जानबूझ कर ऐसा नहीं कर रहे। वहीं जमशेद का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी माँ हर बार की तरह इस बार भी मना कर देती है। वहीं शॉपिंग करके आते हैं तो वहीं आयशा कहती है कि हाँ, जो भी हो रहा है भाई साहब की मर्ज़ी से ही हो रहा है। वहीं जब उसके जमशेद को पता चलता है कि फ़खर और रानी की शादी की बात चल रही हो, तो काफ़ी हैरान होता है। वहीं पे हबीब उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, उसके पास जाकर बताता है रानी की और फ़खर की शादी हो रही है। रानी काफ़ी परेशान होती है और वहीं पर वो उस अपनी टीचर को कहती है, वो कहती है कि अगर आपको मेरे पेरेंट्स से बात करनी है तो आप करें, क्योंकि मुझे ये शादी नहीं करनी है। वहीं आने वाले एपिसोड में वो देखेंगे किस तरह वो कहेगी कि सही, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने बेटे के लिए नहीं लड़ सकी हूँ। वहीं हबीब की जो औरत होती है वहाँ पे घर पहुँच जाती है और काफ़ी बवाल करते हैं। ज़हीर उसे कहता है कोई यहाँ पे नहीं है, तो कहती है कि अगर वो वहाँ भी नहीं है और उस घर में भी नहीं है तो वो कहाँ है, उसको यहीं होना चाहिए। तो वो आयशा के साथ स्कूल जाता है यानी कि, तो वहीं पर गाड़ी से निकलता है, उसे देखता है तो वो हबीब उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। आयशा भी काफ़ी हैरान होती है। अब देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा इस बात का असर हबीब और आयशा के रिश्ते पर। आप भी अपनी रिकमेंड जरिए दे दीजिएगा।